दिल्ली में जब से एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से दिल्ली की सड़कों पर नेताओं का जमावड़ा और दीवारों पर पोस्टरों की बौछार हो रही है। हर कोई अपने आप को अपने एरिया का कैंडिडेट बता रहा है, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, सभी के एक एक सीट से कम पांच पांच प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा जो इसके लायक होंगे और सीट निकाल सकेंगे। इसके लिए पार्टी ने सर्वे भी शुरू करा दिया है जो दो दिन में पूरा हो जाएगा। दिल्ली के वार्ड 199 में भी यही रेस चल रही है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि महिला सीट होने के नाते आम आदमी पार्टी से 2013 से जब से पार्टी शुरू हुई है तब से जुड़ी कार्यकर्ता रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है। इस दौरान जब रेखा गुप्ता ने इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा कि टिकट किसी भी कार्यकर्ता को मिले, लेकिन उनकी प्राथमिकता यही रहेगी, यहाँ से जो भी हो लड़े, आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट बड़ी मात्रा में जीते। साथ ही उन्होंने अपनी दावेदारी को भी पेश करते हुए कहा कि वो लंबे समय से इस एरिया में एक्टिव हैं और पार्टी की शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, और यदि पार्टी टिकट मुझे देती है तो वो अपने जीत के लिए जी जान लगा देंगी।